गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्ती माय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम लोग आप लोगों की दुआ से अलहमदिल्ला एकदम ठीक। तो आज हम बनाने वाली हैं कच्ची दाबेली। तो कच्ची दाबेली के लिए मैं जो रेडीमेड मसाला मिलता है कच्ची दाबेली का, वो वाला लूँगी। गुजरात में बहुत अच्छी मिलती है कच्छ में। जब मैं पिकनिक पे गई थी कच्छ भूज में, तब मैंने खाई थी और उसकी टेस्ट की मैंने आज तक अभी तक नहीं खाई। वहाँ की जो प्रॉपर दाबेली होती है ना, आप एक बार खाओगे तो आपको इतनी पसंद आ जाएगी। मुझे आज तक वो टेस्ट, मैं खुद बनाती हूँ मुझे तब भी नहीं मिलती, मैं जैसे अपने स्टॉल्स पे जाती हूँ उस पर भी नहीं मिलती मुझे। मुझे आज तक वो टेस्ट मैंने आज तक मुझे आया ही नहीं है। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैं गई थी और मुझे आज भी उसका फ्लेवर याद है। इतनी मज़े की लगती है कच्छ की दाबेली। आप वहाँ पर प्रॉपर जाके खाओ ना तो आपको वहाँ का टेस्ट पता चले। और फिर आपने इस तरह का घोल बना लेना है मसाले के अंदर पानी डालकर। देख लीजिए, और मैंने 2 बॉइल आलू को इस तरह से मैश कर दिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। और फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल गर्म हो, फिर इसके अंदर आपने ये वाला जो हमने मसाला तैयार किया वो इसके अंदर डाल देना और इसे अच्छे से ऑयल हो जाने देना है। और फिर इसके अंदर आपने आलू मैस करे हुए डाल देना है। फ्रेंड्स, पहले मुझे दाबेली इतनी पसंद नहीं हुआ करती थी। जब मैं कच्छ में गई ना तो मैंने वहाँ पर रणोत्सव में दाबेली टेस्ट की थी, क्योंकि वहाँ की फेमस डिश थी। और मैं कहीं पर भी घूमने जाती तो वहाँ की जो फेमस डिश होती है मुझे ज़रूर ट्राई करती, तो मैंने ट्राई की थी और मुझे तब से दाबेली बहुत पसंद होने लगी। बाकी पहले मैं दाबेली नहीं खाती थी। फ्रेंड्स, तो मैं समझी कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है बट ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, अब आपके बॉयल आ जाए, फिर आपने उसके अंदर आलू डाल देने। और फिर मैंने इसके अंदर इमली की चटनी डाल दी है जिससे एकदम खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। और आपने अच्छे से इसको भी पका लेना है। और इसके मतलब मसाला एकदम सूखा नहीं रहता है, एकदम थोड़ा गीला रहता है, तो आपने ज़्यादा डाल सकते हो आप मसाला। और फिर आपने इसे अच्छे से पका लेना और फिर आपने इसको डिश के अंदर सर्व कर लेना है। आपने इस तरह की डिश में से निकाल देना और फिर से फैला देना है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो अनार के दाने होते हैं वो अच्छे से डाल देना। आपने इसके ऊपर जो मसाले वाली मूंगफली होती है और मूंगफली के जो दाने होते हैं वो भी डाल देना। बट हमारे वहाँ पर मूंगफली के दाने मुझे भी नहीं पसंद, भाई को भी नहीं पसंद, मम्मा को भी थोड़े थोड़े पसंद है, इसलिए हम मूंगफली के दाने नहीं डालते। इस पर आपने काजू मसाले करे हुए, इसके ऊपर लाल द्राक्ष भी डाल सकते हैं। बट हम लोग ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हमारे को, इसलिए मैं इस पर सिंपल ही अनार के दाने डाल दूँगी। और इसके ऊपर हम लोग हरा धनिया डाल देंगे। और ये हरा धनिया हमारा फोर्जन है और जो अनार के दाने वो भी हमारे फोर्जन है। देखिए, पूरा महीना चल गया है हमारा। आपने भी ऐसा ही करना अगले रमज़ान। ओके फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है कि जो पाँव मिलते हैं ना, तो पाँव को आपने इस तरह से सिर्फ त्रिकोण में काटना है। देखो, इस तरह से काटना है आपने। और फिर इसके अंदर इमली की चटनी लगा देनी है नीचे साइड, और ऊपर हरे धनिया की चटनी लगा देनी है, और बीच में ये स्टफिंग भर देनी है। मैं आपको बताऊँगी इस तरह से करना है।
और इसी तरह से हम सारे ऐसे दाबेली बना देंगे। और फ्रेंड्स फिर आपने सेव निकाल लेनी है और सेव को इस तरह से, ओहो अविश देखिए क्या कर रहा है, बॉल आ रहा आगे। ओके और ये फिर ऐसे सेव को आपने इस तरह से रखनी थी, डाल देनी है अच्छे से। ये अल्लाह अवेश अवेश मम्मी मम्मी इसकी हरकत तो देखो आप। फिर आपने इस तरह से देखिए घुमा लेना सेव के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सेव उस पर आलू पे चिपक जाएगी। और आपने स्टफिंग के अंदर भी डालना चाहो तो डाल सकते हो सेव, बट इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और फिर आपने इसे पैन पे बटर लगा कर अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारे चिकन रोल तला रही है मम्मा, चिकन रोल तल रही है और मैं दाबेली को बटर लगा कर सेक लूँगी। यहाँ पर हमारी गपशप चालू चालू चालू, हम लोग ऐसे ही करते हैं कि बातें करते करते काम अच्छा हो जाता है, बातें करते करते हम कब पका लेते पता ही नहीं चलता। और मम्मा भी जब भी पकाते हैं ना तो मैं किचन में आके चेयर लेके बैठ जाती हूँ और मम्मा से बातें करती हूँ, तो मम्मा का काम भी जल्दी हो जाता है, मम्मा को भी अच्छा लगता है, बोर नहीं लगता। बाकी अपने इकली इकली करो ना तो बोर हो जाओ किचन में, इसमें थोड़ी बातें करते करते काम करने में मज़ा। फ्रेंड्स फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर पैन के ऊपर आपने बटर लगा देना और उसे अच्छे से इसे फैला देना। मुझे मज़ा आ रही थी तो इसलिए मैं इस तरह से कर रही थी, वो जो मार्केट में करते ना बड़े शेफ लोग ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा मम्मा करें स्पून ले लो स्पैटुला ले लो, कहा नहीं मम्मी मुझे मज़ा आ रहा है ऐसा करने में, मम्मी कहते क्या तुम भी। और फिर इसके ऊपर आपने जो दाबेली के बंस हैं वो रख देना है। पर मेरी दाबेली सेक आ रही है और यहाँ पर चिकन रोल मम्मा तल रहे हैं और ये देखिए आज हमने कंगड़ी बनाई है। ने जो दाबेली के बन है उसे ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है बटर लगा कर। आज तो इफ्तार में थोड़ा बहुत टाइम था, आई थिंक 6:15 ही हुई थी और टाइम था, तो मैंने क्या किया है कि जो माइक्रोवेव ऑन के अंदर मैंने इसको ट्रे को रख दी थी, तो हमारे जो बन है वो एकदम गरम गरम और जो क्रिस्पीनेस थी वो एकदम जा रही थी इसकी। तो आपने भी इस तरह से कर सकते हो, आप पकोड़े भी रख सकते हो, रोल भी रख सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने ये ट्रिक आपको की है, आप ज़रूर अपनाना। तो मैं मूंग की दाल के पकोड़े की तैयारी करूँगी। मम्मी ने मूंग की दाल को सुबह से भिगा कर रख दी थी। फिर आपने क्या करना है कि मिक्सी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मूंग की दाल डाल देनी और हरी मिर्ची डाल के उसे ग्राइंड कर लेनी है और इस तरह का पेस्ट बन जाए, तो फिर आपने इसमें निकाल लेना है जैसे हमने चने की दाल में किया था सेम उसी प्रोसेस है। और फिर आपने इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, चने की दाल में आपने पानी डाला हो चल जाता, फिर मूंग की दाल में आपने पानी थोड़ा कम ही डालना है, सिर्फ पीसने जितना ही डालना है। और फिर आपने इसके अंदर मैं इसके अंदर एक हरी जो चटनी की क्यूब थी हमारी, हरा धनिया पुदीना उसकी क्यूब डाल दूंगी। और फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून जितना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दूंगी। और फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है और इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे एज यूजुअल, कि हमने चटनी दाल पीसते टाइम भी हरी मिर्ची डाली और चटनी के अंदर भी हमारी हरी मिर्ची है तो उसकी तिखास बैलेंस हो जाती। अगर आप चटनी नहीं डाल रहे हो तो आपने इसके अंदर
डाल सकते हो रेड चिली पाउडर, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। और फिर आपने इसके अंदर जीरा पाउडर डाल देना और इसका अच्छा सा बैटर बना लेना। और आपने ज़रूर ये चटनी वाले ट्राई करना पकौड़े, हम मोस्ट ऑफली चटनी वाले ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते, मज़े के लगते। और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल देना है। यहाँ पर चिकन लेग पीस को ग्रिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चिकन लेग पीस की रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर मम्मा को बोलूँगी, वो आपको देंगे। और ये यहाँ पर मम्मा ने एक साइड पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि मम्मा पकौड़े फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड करना और फिर से अच्छे से मिक्स कर देना। पिंच जितना इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना। फ्रेंड्स, फिर मुझे आज हरी चटनी ख़त्म हो गई थी तो मैं हरी चटनी की क्यूब निकाल कर रख रही हूँ और दाबेली के साथ भी खाना था और मम्मी वालों को चिकन लेग पीस के साथ भी खाना था, इसलिए फिर ये हरी चटनी निकाल दी। और ये फ्रोजन हरा धनिया मैं पकोड़ों के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मम्मा पकोड़े तल रहे हैं और एक साइड पर चिकन लेग पीस को भी ग्रिल कर रहे हैं। बाकी पकोड़े बनाते क्योंकि मेरे पापा जो है कम मिर्ची के खाते हैं और हम लोग तीखा खाते, इस वजह से तो पापा के हम लोग एकदम कम मिर्ची वाले बनाते हैं पकोड़े अलग, और हमारी चटनी वाले हरी मिर्ची वाले बनाते हैं। हाय गाइस, मैं बना रहा हूँ तरबूज अवे स्पेशल रमजान मोहब्बत शरबत, मोहब्बत का शरबत अवे स्पेशल, तो वो शरबत मैं बनाऊंगा आज बना रहा हूँ, पर आपको कल रेसिपी डाल दूंगा। ओके गाइस, आज मैं तरबूज काट रहा हूँ क्योंकि नौवीं नमाज पढ़ रहे हैं, टाइम का बहुत कम है। मम्मी आपको खबर है क्या तल रहे, मम्मी पकौड़े तल रहे। मैं फटाफट तरबूज काट दूँ, वैसे मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं हूँ तरबूज काटने में, तो भी मदद कर देता कभी कभी। गाइस, मैं इसको साइड पे कर दूं।
अब इसने जो मोहब्बत का शरबत बनाया उसकी रेसिपी आपको कल मिल जाएगी। देखिए कितना मज़े का लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। कल आपको उसकी रेसिपी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरे मज़ेदार ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।